हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ यूरिन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन एनालिसिस के फिजिकल एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स को कवर किया था ब्रीफ में। आज के लेक्चर में हम यूरिन एनालिसिस के केमिकल एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। देखिए, यूरिन के कुछ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट मिलते ही मिलती हैं, ठीक है। वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ये जो है ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूरिन के। लेकिन इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं यूरिन के जो नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होने चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट्स, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन एंड ब्लड। दीज आर द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमारी बॉडी इनको एक्सक्रीट आउट होने नहीं देती है। ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो जब किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, तो फिल्टर करने के दौरान जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो इन सभी को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और दोबारा से सर्कुलेशन में भेज देते हैं। बट इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आपके यूरिन में आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और आपकी किडनी डैमेज हो रही है। सो ऐसे एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट्स जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए बट अगर एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन को हम यूरिन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। वैसे तो अब यूरिन एनालिसिस के लिए एडवांस मशीन्स आ गई हैं, एडवांस मशीन्स का यूज़ किया जाता है यूरिन एनालिसिस में, बट अभी भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं पुराने जिनका आज भी लैब्स और हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले है मल्टी स्टिक्स रिजन स्ट्रिप्स। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं इनका हम यूज़ करते हैं यूरिन के फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंड्स बने होते हैं और इन बैंड्स पर रिएजेंट कोटेड रहते हैं। हर एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए अलग स्पेसिफिक जो है रिएजेंट कोट रहता है इन पैड्स पर। जैसे कि प्रोटीन के लिए अलग रिएजेंट कोटेड रहेगा पैड पर, ग्लूकोज के लिए अलग रिएजेंट कोटेड रहेगा, तो ऐसे ही अलग अलग पैड पर अलग अलग जो रिएजेंट है वो कोटेड रहते हैं। तो जब हम इन स्ट्रिप्स को यूरिन में डिप करते हैं, तो यूरिन में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, कीटोन हो, वो स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा जो कोटेड है बैंड्स पर, उनके साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होगा और फिर कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं इमेज में, बॉटल में जो है एक कलर चार्ट है, ओके। तो जो स्ट्रिप्स में कलर चेंज हुआ है उसको हम कलर चार्ट के क्लोज लाएंगे और हम मैच करेंगे कि कितना कलर जो है डेवलप हुआ है, उसको मेजर करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा यूरिन में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहेगा, उतना ही ज़्यादा कलर डेवलप होगा। सो जो मल्टी स्टिक्स रिजन स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देती हैं और इसमें हमें कोई हार्मफुल रिजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और एक स्टाफ ही इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं और इसमें बहुत कम यूरिन की ज़रूरत होती है और हम इसको ईजिली परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो मेथड है वो है मैनुअल मेथड। यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हम मैनुअल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। यूरिन के अलग अलग एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए अलग अलग मैनुअल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज हम सभी को पता है हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, इसलिए हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने नहीं देती है। तो हमारे ब्लड में जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ से फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो किडनी का प्रॉक्सिमल रिनल ट्यूब्यूल्स है वो सारे ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करके वापस से सर्कुलेशन में भेज देती है। तो इस प्रोसेस में बहुत स्मॉल अमाउंट में ही ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, बहुत कम होता है, इतना कम कि वो रूटीन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाता, तो ये नॉर्मल है। बट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लाइकोजूरिया या ग्लूकोज यूरिया। सो ज़्यादा ग्लूकोज हमारी किडनी के थ्रू यूरिन में आने की वजह से हमारी जो किडनी है वो भी डैमेज होने लगती है। तो क्वेश्चन है कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज कब आने लगता है।
तो हमारे प्लाज्मा में जो ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 180 mg पर डेसिलीटर होती है। अगर प्लाज्मा में 180 mg पर डेसिलीटर से ज़्यादा ग्लूकोज की वैल्यू हो जाए तो फिर वो ग्लूकोज हमारे किडनी के थ्रू यूरिन में आने लग जाता है, यानी ग्लूकोज जो है वो अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है। तो इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज़ हैं ग्लाइकोजूरिया के? एक तो मैंने अभी बताया डायबिटीज़ विद हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि अगर बॉडी में ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर डेसिलीटर से ज़्यादा हो गया है, हाई है, तो भी ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाएगा। इसके अलावा लीवर डिजीज़ में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के केसेस में और पैनक्रियाटिक डिजीज़ के केसेस में ग्लाइकोजूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। सो यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड एंड सेकेंड इज मल्टी स्टिक्स रिजन स्ट्रिप्स मेथड। हम दोनों मेथड को इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड की। सो बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव सॉल्यूशन का यूज़ हम करते हैं यूरिन में ग्लूकोज के डिटेक्शन के लिए। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं जो बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव सॉल्यूशन है इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर का होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4 और इसी केमिकल की वजह से जो रिएजेंट का मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है। तो अगर हम बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करें तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो ग्लूकोज है यहाँ पे वो एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें अदर मेटल्स आयंस को रिड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जैसे कि कॉपर सल्फेट और निकेल। तो चलिए अब बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट के प्रिंसिपल को देख लेते हैं। जब हम यूरिन को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और जब बॉयल करते हैं तो यूरिन में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है वो कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करने लगता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अभी मैंने बताया कि जो ग्लूकोज है वो एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। तो ग्लूकोज इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करके कॉपर सल्फेट को क्यूपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट होने के बाद मीडियम का कलर जो पहले स्काई ब्लू कलर का था वो अब चेंज होकर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड या फिर ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा। और कलर चेंज होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ग्रेड्स में रिपोर्ट करेंगे। एग्जांपल जैसे कि ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+ ऐसे। चलिए इसके बाद हम बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट के प्रोसीजर को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब में हमें 5 ml बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट को ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो स्काई ब्लू कलर का है। बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करने के बाद हमें यूरिन की 0.5 ml या फिर 8 ड्रॉप यूरिन का सैंपल इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। सैंपल ऐड करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मिक्स करना है और फिर बंसन फ्लेम पर हमें टेस्ट ट्यूब को रखकर हीट करना है ताकि जो सॉल्यूशन है वो बॉयल हो सके, और ये हमें 2 मिनट तक करना है। याद रहे टेस्ट ट्यूब हीट करते समय हमें उस पर लगातार नहीं हीटिंग करनी है, उसको हमें पास करते रहना है। ये हमें लगातार 2 मिनट तक करना है। उसके बाद हमें सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पर रख देना है ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ सके। जब तक रिएजेंट ठंडा हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि जो बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट की बॉटल है वो कैसी होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक कलर चार्ट है जिस पे हम मेजर करेंगे कलर को। इसके अलावा ये जो बॉटल होती है ये 500 ml की होती है और इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर का होता है स्टार्टिंग में। तो अब जो हमने सॉल्यूशन हीट किया था वो अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, तो अब हम देखेंगे कि कितना कलर डेवलप हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो ब्लू से चेंज होकर ग्रीन कलर हो गया है। तो हम इसको 1+ ग्रेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो मेथड है वो है रीजन स्ट्रिप्स मेथड। रीजन स्ट्रिप मेथड का भी यूज़ करके हम यूरिन में ग्लूकोज का पता लगा सकते हैं। अगर हम रीजन स्ट्रिप के प्रिंसिपल की बात करें तो आप देख सकते हैं इमेज में कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग बैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। ग्लूकोज के लिए अलग, कीटोन के लिए अलग, प्रोटीन के लिए अलग। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज वाला देखना है।
यहाँ पे जो ग्लूकोज के बैंड का जो नेचुरल कलर है वो है स्काई ब्लू कलर का, ओके। और इसी ग्लूकोज के बैंड पर कुछ रिएजेंट कोटेड है जो कि ग्लूकोज की स्पेसिफिक है। यहाँ पे इस बैंड पर दो एंजाइम जो है वो कोटेड है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज, और क्रोमेजन कोटेड है कलर के फॉर्म में। तो जब हम इन यूरिन की स्ट्रिप्स को यूरिन में डिप करेंगे तो अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 बनाएगा। और जब ये H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड जब क्रोमोजन के साथ मिलकर परऑक्सीडेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे जो क्रोमोजन है वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा, जिसकी वजह से कलर चेंज होने लगेगा। और जितना ज़्यादा यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो कलर डेवलप होगा। आप इमेज में देख सकते हैं कि जितना कलर डेवलप होगा उसी के हिसाब से हम ग्रेड करेंगे, जैसे कि ट्रेस, 1+, 2+, 3+ या फिर 4+। एक चीज़ और, जो रीजन स्ट्रिप्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं ग्लूकोज के लिए, क्योंकि वो सिर्फ ग्लूकोज के साथ ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन जबकि जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि बेनेडिक्ट टेस्ट में ग्लूकोज के अलावा जो अदर शुगर्स होते हैं जैसे कि माल्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ये भी कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करते हैं, तो इससे हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, जबकि रीजन स्ट्रिप ग्लूकोज के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है।